हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नीना एजुकेशन। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और इसका दूसरा भाग। इसमें आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानेंगे, समझेंगे, और ये JPSC PT के सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये टॉपिक। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। बिरसा मुंडा एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोक नायक थे। इनका काफ़ी महत्व है झारखंड के क्षेत्र में। इन्होंने ब्रिटिश शासन, जमींदार और महाजनों के विरुद्ध आंदोलन किया था, इन सब के विरुद्ध। इस आंदोलन को बिरसा उल गुलान भी कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा ने जो आंदोलन शुरू किया ब्रिटिशर के विरुद्ध, अंग्रेज जमींदारों और महाजनों के विरुद्ध, क्योंकि इन्होंने झारखंड क्षेत्र की जो जनजातियाँ थीं उन्हें बहुत ही दबाने और कुचलने का कार्य किया था, तो इन्होंने जो आंदोलन आरंभ किया उसे बिरसा उल गुलान आंदोलन कहते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के उलिहाती गांव में हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध नारा दिया, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। तो देखिए, इस टाइप से कोटेशन दिए हुए होते हैं और प्रश्न पूछा जाता है ये किसने कहा था, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। ये बिरसा मुंडा ने कहा था कि रानी का शासन खत्म करो और हमारा राज्य स्थापित करो। अंग्रेजों ने आदिवासियों की कृषि भूमि आदि की व्यवस्था को ही बदल दिया था। अंग्रेजों ने अपना सारा सिस्टम जनजातियों पर थोप दिया था, इनकी कृषि करने के तरीके को, इनकी भूमि के अधिकार को बहुत ही बुरी तरह से छीन लिया था और इन्हें इनकी ही ज़मीन से बेदखल कर दिया था, जिस कारण इनमें काफ़ी रोष था, इन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। 1895 में लगान माफ़ी के लिए आदिवासियों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विद्रोह आरंभ कर दिया। जब अंग्रेजों की, जमींदारों की इस दमनकारी नीति से इस क्षेत्र के लोग परेशान हो गए, तो 1895 में बिरसा मुंडा ने क्या किया, स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विद्रोह को आरंभ कर दिया। बिरसा ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया। बिरसा मुंडा ने क्या किया था कि समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उसे भी समाप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो मुंडा समाज में जो सुधारवादी आंदोलन चलाया और बिरसाइत संप्रदाय के प्रवर्तक बने और एक अलग से धर्म को स्थापित किया जिसमें सारी कुरीतियों को अंत कर दिया गया और इन्हें समाज में पिछड़ेपन से आगे लाने के लिए एक धर्म चलाया जिसे बिरसाइत संप्रदाय भी कहा गया या बिरसाइत धर्म भी कहा गया। ये बिरसा के द्वारा चलाया गया धर्म था। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हुए इन्होंने क्या कहा कि हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी अंग्रेजों के नियमों का पालन नहीं करेंगे। ये बिरसा मुंडा ने कहा था जब इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया था। अंग्रेजी सरकार ने, यानी कि अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए इन पर इनाम रखा था 500 रुपये का। उस समय में 500 रुपये बड़ी रकम होती थी और 500 रुपये का इनाम इन पर रखा गया था इन्हें पकड़वाने में जो भी मदद करेगा उसके लिए। सरकार ने विद्रोह का दमन करने के लिए 3 फरवरी 1900 को मुंडा को गिरफ्तार किए कर लिया, बिरसा मुंडा को, और इसके साथ ही बिरसा मुंडा के साथ साथ इनके 460 आदिवासियों जो उस क्षेत्र के लोग थे जिन्होंने इनकी सहायता की थी उन्हें भी गिरफ्तार किया, उन्हें भी दंड दिया। बिरसा मुंडा को रांची के जेल में भेज दिया गया और वहां पर इनकी 9 जून 1900 को मृत्यु हो गई। कहा यह गया कि इनकी मृत्यु हैजे से हुई है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इन्होंने विद्रोह आरंभ किया और बहुत ही कम समय में इनकी मृत्यु भी हो गई। केवल 25 वर्ष ही इनकी आयु थी जब इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने न केवल झारखंड में बल्कि झारखंड बिहार कंबाइन थे उस वक्त,
तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा इन सभी क्षेत्रों के आदिवासी जो जनता थी उनके लिए बहुत सारे कार्य किए, समाज सुधारक कार्य भी किए और विद्रोह भी किया अंग्रेजों के विरुद्ध। तो इनका बहुत ही महत्व है इन सभी क्षेत्रों में। इनके नाम पर, इनके सम्मान में कई संस्थाएं, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं इन सभी क्षेत्रों में खोली गई हैं। इनके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि भारतीय जो संसद है वहाँ पर एकमात्र आदिवासी नेता के का चित्र लगा हुआ है जो कि बिरसा मुंडा का है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बुद्धू भगत के बारे में। ये कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म रांची जिला के चान्हो प्रखंड के कोयल नदी तट पर स्थित एक गांव है सिलगाई, वहाँ पर हुआ था 17 फरवरी 1792 ईस्वी को। ये उराव परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये उराव जनजाति से संबंधित थे। ये झारखंड के प्रथम ऐसे क्रांतिकारी नेता क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा था। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने अंग्रेजी सरकार को कितना अधिक परेशान किया होगा, इन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1000 रुपये का इनाम रखा गया था इन पर। 1831 ईस्वी में इन्होंने जमीन छिन जाने, न्याय न मिलने और जमींदारों के घोर उत्पीड़न के कारण कोल विद्रोह किया था। तो कोल विद्रोह के जनक थे बुद्धू भगत। इन्होंने अपने 700 कोल लोगों के साथ, यानी कोल जनजाति के 700 लोगों के साथ मिलकर रांची, सिंहभूम, टोरी, हजारीबाग, मानभूम आदि क्षेत्रों में भीषण प्रदर्शन किया, बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया। और ऐसे प्रदर्शन के तहत लगभग 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। 14 फरवरी 1832 को इन्हें अंग्रेजों की ने गिरफ्तार कर लिया। और न केवल इन्हें गिरफ्तार किया बल्कि इनके बेटे, भतीजे और साथ साथ 150 और लोगों को भी गिरफ्तार किया और सबको मृत्युदंड दे दिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पांडे गणपत राय के बारे में। 17 जनवरी 1809 में इनका जन्म हुआ था। ये छोटा नागपुर के दीवान सदाशिव राय के भतीजे थे। पालकोट में रहकर इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। सदाशिव राय की मृत्यु के बाद इन्हें छोटा नागपुर के राजा के दीवान बना दिया गया। छोटा नागपुर के जो राजा थे उन्होंने इन्हें अपना दीवान बना लिया। पहले इनके चाचा जी थे दीवान। छोटा नागपुर के उत्तराधिकारी जगन्नाथ सहदेव को अपदस्थ कर अंग्रेज अधिकारी एडम ह्यूम को वहाँ का प्रबंधक बना दिया गया। अंग्रेज क्या करते थे, हड़प की नीति अपनाते थे। तो वहाँ उस वक्त जब ही गणपत राय दीवान बनाए गए तो छोटा नागपुर के जो उत्तराधिकारी थे जगन्नाथ सहदेव, अंग्रेजों ने उन्हें अपदस्थ कर दिया और ह्यूम को वहाँ का प्रबंधक बना दिया, ह्यूम को मालिक बना दिया। इससे गणपत राय बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गए, क्रुद्ध हो गए और वे अंग्रेजों के शत्रु बन गए और उन्होंने विद्रोह कर दिया जगन्नाथ सहदेव के साथ मिलकर। पूरे देश में वो जो समय था, पूरे देश में 1857 का विद्रोह छिड़ गया था और अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह का भी नेतृत्व अलग अलग लोग कर रहे थे। डोरंडा छावनी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का आरंभ भी हो गया था और यहाँ पर जो विद्रोह हुआ डोरंडा छावनी में, इसका नेतृत्व गणपत राय और राजा सहदेव ने किया था। तो ये याद रखेंगे कि झारखंड के क्षेत्र में जो डोरंडा छावनी थी वहाँ पर 1857 का जो विद्रोह छिड़ा, इसका नेतृत्व गणपत राय और राजा सहदेव ने किया था। इन्होंने रांची में तबाही कर दी बहुत ज़्यादा। ये लोग जो है एग्रेसिव थे, कचहरी में आग लगा दी, कोषागार को लूट लिया, जेल में जो 300 कैदी थे उस वक्त रांची में उन्हें मुक्त करा दिया और उन सभी कैदियों को जो ये इनका अपना दल था उसमें शामिल कर लिया। देशद्रोही जमींदार महेश शाही, इनका नाम याद रखेंगे, ये वही देशद्रोही जमींदार था जिसने कि गणपत राय को पकड़वाने में अंग्रेजों को की मदद की थी और अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ लिया था और धोखे से ये पकड़ लिए गए और 21 अप्रैल 1858 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। तो ये आज हम लोगों ने देखा भाग 2 के तहत बुद्धू भगत के बारे में और
बिरसा मुंडा के बारे में। तो चूंकि काफ़ी सारी बातें होती हैं बताने के लिए, इसलिए थोड़ा सा क्लास बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा डिटेल से ही पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।